Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 सब का सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन में और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है और प्रभु के वचनों में हम बढ़ रहे हैं और खुदा यही चाहते हैं कि आप और मैं उसके वचनों में हम बढ़ते चले जाएं और एक ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर हम आत्मिक जीवन के अंदर प्रोढ़ बन जाएँ तो प्रभु का धन्यवाद है कि उसके वचनों में वो हमें प्रोढ़ता की ओर लेके जा रहा है शुद्धता की ओर लेके जा रहा है और उसके वचनों में प्रभु हमें बढ़ा रहा है तो आइए प्रभु के वचनों को देखने से पहले हम प्रभु के हाथों में आए और फिर से एक बार नई रीति से परमेश्वर के हाथों में आकर पवित्र आत्मा का प्रकाशन मांगे और हम प्रार्थना करें इस समय खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी स्तुति करते हैं तो अच्छा परमेश्वर है जब हम आपके वचनों को देखते हैं फिर से एक बार हमें सहायता करना उसको समझने के लिए हृदय देना प्रभु जी मनो को खोल देना विचारों को खोल देना और आपका हर एक वचन अच्छी भूमि में पड़े पिता इसलिए कि हम सौ गुना हम फल ला सके प्रभु जी और तो आपका वचन जैसे जैसे हमें समझेगा पिता वैसे वैसे हम हम आज़ाद होते चले जाएंगे प्रभु जी इसलिए हमें विशेष तेरी तेरा अनुग्रह दे कि हम इसको समझकर हम आगे बढ़ सकें हर एक महिमा तुझे देते हुए येशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन इस बाइबल अध्ययन में फिर से आपका सबका स्वागत है हमने अभी तक प्रकाशित वाक्य के किताब में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी तक हम उन्नीस अध्याय में आ चुके हैं पिछली बार हम प्रकाशित वाक्य इसके उन्नीस अध्याय को हमने देखा एक से लेकर चार वचन तक आज हम उसके आगे चलते हैं उन्नीस अध्याय इसका पाँच वचन और छः वचन को समझने की पवित्र आत्मा की सहायता से हम मदद आ, मांगेंगे तब सियासन में से एक शब्द निकला हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है और ये जो ये जो शब्द है ये स्वर्गदूत का शब्द है वो परमेश्वर के दासों को स्तुति करने की आज्ञा यहाँ पर देता हुआ दिखाई देता है वो यहाँ पर कहते हैं हे hey, परमेश्वर से सब डरने वालों दासो क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्तुति करो यहाँ पर वो आज्ञा दे रहा है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ये आज्ञा मिली है और परमेश्वर की सेवा करना है या नहीं करना है ये आपको और मुझे इसी जीवन में ठहराना है हमें परमेश्वर की स्तुति करना, करना है हमें परमेश्वर की स्तुति नहीं करना है इसी जीवन में आपको मुझे एक एक ठहराना है कि आप और मैं किस प्रकार उसको कर सकते हैं और ये स्तुति में सभी जन यहाँ पर शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं वे सभी खुशी से स्वेच्छा से परमेश्वर के दास यहाँ पर हुए हैं यहाँ पर कोई जबरदस्ती का काम नहीं है कि परमेश्वर का दास तुम बनो परमेश्वर की तुम स्तुति करो ये कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं यहाँ पर आज्ञा मिली है कि परमेश्वर की स्तुति करो लेकिन जो स्तुति करना है वो हमें स्वेच्छा से करना है जो स्तुति करना है हमें खुशी के साथ में करना है हर्ष के साथ में परमेश्वर की स्तुति आपको मुझे करना है और ये आज बड़ा मौका आपकी और मेरे जीवन में है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन का व्यतीत करें और अपने जीवन को समाप्त करें और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ही आप और मैं अपने जीवन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और यहाँ पर परमेश्वर का गौरव करना परमेश्वर की स्तुति करना ही एक मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही उसके लिए आप और मैं बनाए गए हैं आपकी और मेरी सृष्टि हुई बहुत बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य चार ग्यारह के अनुसार परमेश्वर ने आपकी और मेरी सृष्टि इसलिए की कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा को गा सके आप और मैं परमेश्वर के गुणगान को गा सके आप और मैं परमेश्वर का गौरव कर सके इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे स्तुति करने के लिए उसकी आराधना करने के लिए उसकी बड़ाई करने के लिए आपको और मुझे बनाया है इस बात को हम जान लें इस बात को हम समझ लें और परमेश्वर का गौरव करना ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की आराधना करते हुए मेरे जीवन को मैं समाप्त करूंगा परमेश्वर का सेवक नहीं होना ये बात परमेश्वर के इच्छानुसार नहीं है इस इस बात को वो दिखाता है वो आज्ञा भंग करने का एक दर्शक है या आज्ञा भंग उसको की जाती है इसलिए आपके और मेरे जीवन में कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा भंग ना करें और यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो सभी लोगों को जो परमेश्वर के डरने वाले लोग हैं जो उसके दास बने हुए हैं जो छोटे या बड़े सबको आज्ञा करता है कि परमेश्वर की स्तुति करो तो आज आप और मैं भी जब आप और मैं इस पृथ्वी पर है हमारे परिवारों के साथ में तो आपको मुझे ये ध्यान रखना है कि आप और मैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने परिवारों के साथ में हम आगे बढ़ते जाएँ अपने जीवन में यशु मसीह को अपना प्रभु वे स्वामी होने के लिए हम आमंत्रण करें फिर हम स्वेच्छा से उसके सेवक बन जाएंगे इस बात का आपको और मुझे ध्यान देना चाहिए अब यहाँ पर 19 अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के अंदर सात से दस वचन में दो प्रकार के यहाँ दो प्रकार का भाग यहाँ पर सम्मिलित है यहाँ पर शामिल है इन वचनों में दो भाग है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय सात से दस वचन के अंदर पहला भाग जो है वो है मेमने का विवाह और दूसरा जो भाग है मेमने के विवाह का भोज यहाँ पर बताया गया मेमने के विवाह का भोज दो बातें यहाँ पर शामिल है उस बात को आज से हम आगे देखेंगे कि मेमने का विवाह क्या है मेमने के विवाह का भोज क्या है इस बात को हम देखेंगे अब सब सवाल ये उठता है कि दुला कौन है इस दूल्हे को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेमने का विवाह है पर मेमने की दुल्हन कौन है मे, दूल्हा कौन है इस बात को आपको मुझे बाइबल के अनुसार समझना है अः यहाँ पर जो दर्शाया गया है आ, एक बात को हमें आ, देखना है कि दूल्हा जो है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है दूल्हा जो है वो मेमना है और मेमना शब्द जो है यमुना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उपयोग किया गया है यौना का शुभो यमुना का सुसमाचार इसका पहला अध्याय और उनतीस वचन कहता है देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है मत्ते मध्य इसका सुसमाचार नौ अध्याय पंद्रह वचन यहाँ पर खुद परमेश्वर ये मसीह खुद को यहाँ पर दूल्हा वो कहता है दूल्हा कहा गया उसको और योहन्ना का सुसमाचार तीसरा अध्याय और उनतीस वचन भी कहता है यहाँ पर येसू को दूल्हा कहा गया है दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुन सुनता है सुनने वाला दूल्हे का मित्र कहा गया है और मसीह का उल्लेख जो है दूल्हा और मेमने को यहाँ पर दर्शाया गया है मेमने का विवाह होते समय यीशु ही यी दूल्हा होगा इससे हमें पता चलता है दूल्हा जो है वो दूल्हा कौन है तो वो प्रभु यीशु क्रिस्त है प्रभु यीशु मसीह है इस बात को आपको मुझे ध्यान रखना है अब सवाल उठते है कि दुल्हन कौन है इस दुल्हन को जानना बहुत जरूरी है इस दुल्हन को समझना बहुत जरूरी है पहला भाग है हमारे जीवन के अंदर की दूल्हा कौन है तो दूल्हा दूल्हा दु, दु, खुद प्रवेश मसी है अब हम दुल्हन की बात करेंगे कि दुल्हन दुल्लन कौन है और दुल्हन को किस प्रकार दर्शाया गया बाइबल के अंदर इसको समझना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है दुल्हन कौन है इस प्रश्न के उत्तर के विषय में बहुत अलग अलग मत यहाँ पर प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं बहुत सारे जो परमेश्वर के दास है परमेश्वर के लोग हैं अलग अलग मत यहाँ पर वो दर्शाते हैं दुल्हन अर्थात इसराइल है ऐसा बहुतों का मत यहाँ पर बताया गया है बहुत लोग अपने मत को रखते हैं कि यह दुल्हन जो है वो इजराइल है ले प्रकाशित वाक्य उन्नीस अध्याय सात वचन में उसे दुल्हन कहा गया है और का चौपन अध्याय और पांच वचन में इसराइल को परमेश्वर की पत्नी कहा गया है इर्म्य तीन और तीसरा अध्याय चौदह वचन के अनुसार यशिया चौपन अध्याय पांच वचन के अनुसार इजराइल को परमेश्वर की पत्नी कहा गया है पर यहाँ पर दुल्हन जो है दुल्हन जो है जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में बताई गई है ये दुल्हन पत्नी इजराइल नहीं है ये शक्य नहीं है या ये ये संभव नहीं है क्योंकि विवाह होने तक कोई भी दुल्हन को पत्नी नहीं कहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती जब तक वो दुल्हन विवाह से पहले वो कभी पत्नी नहीं बन सकती इसलिए विवाह होने तक कोई भी दुल्हन को पत्नी नहीं कहता पवित्र शास्त्र में बाइबल के अंदर दो पत्नियों के विषय के बारे में हम देखते हैं अन्य देवता के पीछे जाकर आध्यात्मिक विचा विचार व्यभिचार अगर करते हैं इस कारण पुरानी पत्नी को त्याग दिया छोड़ दिया ऐसा बाइबल कहता है अन्य देवताओं के पीछे जाकर आध्यात्मिक व्यभिचार जिसने किया है इस कारण पुरानी पत्नी को त्याग दिया है छोड़ दिया है ऐसा वचन के अंदर हमें देखने मिलता है यमिया इसका तीसरा अध्याय एक से बीस वचन याच के लिए इसका सोलह अध्याय होशे का किताब इसका दूसरा अध्याय एक से तेईस वचन होशे का किताब इसका तीसरा अध्याय एक से पाँच वचन ये हमें बताता है कि जो आध्यात्मिक व्यभिचार जो इजराइल ने किया है परमेश्वर ने उसको यहाँ पर त्याग दिया है छोड़ दिया है ऐसा यहाँ पर बताया गया है हजारों सालों से कलशिया से अनेक पाप हुए होंगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर जो यहाँ पर बताता है और अन्य देवता की उपासना करना मतलब आध्यात्मिक व्याभिचार कहा गया है और पवित्र आत्मा जो गवाही यहाँ पर हमें देता है वो गवाही ये है बाइबल ये सिखाती है कि जो कलसिया का प्रभु है वो यीशु मसीह है जो जो कलसिया का जो परमेश्वर है जो स्वामी है जो मालिक है वो सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त है और यीशु क्रिस्त के सिवाय वो दूसरे की उपासना नहीं करते इसलिए परमेश्वर उसे इस बात को यहाँ पर कहता है अगर किसी ने ऐसा किया है तो वह मसीह यीशु का हो नहीं सकता और मसीह यीशु की हो नहीं सकती क्योंकि उसका एक ही दूल्हा है वो मतलब है प्रभु यीशु मसीह है लेकिन आ, यहाँ पर जो इसराइल को परमेश्वर के साथ पति और पत्नी के रूप में यहाँ पर तुलना की गई है ये चौपन अध्याय पांच वचन में तीसरा अध्याय चौदह वचन लेकिन वह परमेश्वर के प्रति योग्य नहीं रही इसी कारण उसने अपने पद को यहाँ पर खो दिया है यशिया इक्यावनवा अध्याय का तीसरा अध्याय एक से पाँच वचन के अंदर उसने अपने परमेश्वर उसको त्याग दिया उसने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ में उसने आ, उसने आध्यात्मिक व्याभ्यचार किया परमेश्वर के साथ में उसने इस इजराइल इस, ने जो है अपने पद को खो दिया है अपने पद को उसने गवा दिया है इसलिए यहाँ पर परमेश्वर जो है इसलिए ये दुल्हन नहीं हो सकती दुल्हन जो है मसीह की जो दुल्हन है वो विश्वास योग्य ठहरी है मसी की जो दुल्हन है वो विश्वास योग्य यहां पर बताया गया है सर्प ने हवा को चतुराई से बहकाया मसीह की दुल्हन शैतान के बहकाऊँ में नहीं आएगी जो सर्प है हवा को उसने चतुराई से बहका दिया हवा को उसने पाप करवाया हवा को उसने परमेश्वर से अलग कर दिया लेकिन जो परमेश्वर की दुल्हन है जो मसीह की दुल्हन है वह सैत सैतान के बहकाव में नहीं आएगी वह शैतान के बहकाव में आकर नहीं फंसेगी वो परमेश्वर के साथ में यशु के साथ में उसके दुल्हे के साथ में वो विश्वास योग्य के साथ में बनी रहेगी इस बात का आपको मुझे ध्यान रखना है अब अब का जो दुल्हन है जो कलशिया को किसको को दूलन कहा गया है इफिस का पांच अध्याय पच्चीस से सत्ताईस वचन अगर हम देखते हैं यहाँ पर पॉलुस लिखता है कि कलशिया जो है जो उसका चर्च जो है वो दुल्हन की उपमा यहाँ पर वो उसने दे दिया है जैसे मसीह ने कलशिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलशिया बनाकर अपने पास खड़ी करे कि जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो वर्ण पवित्र और निर्दोष हो पतियों और पत्नियों को जो निर्देश दिया गया है उसी समय पॉलिस ने यह दृष्टांत यहाँ पर दिया है इससे यह बात स्पष्ट है कि कलशिया जो है मसीह की दुल्हन है और करंती विश्व करंथी के जो विश्वासियों को पॉलिस ने यहाँ पर लिखा है दूसरा करंती का राजपत्र इसका ग्यारह अध्याय दो वचन में यहाँ परंति के विश्वासियों को इस, इसी प्रकार उसने यहाँ पर लिखा है इफिस इसका पांच अध्याय बत्तीस वचन यहाँ पर कहता है यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसी और कलशिया के विषय में कहता हूँ प्रभु येसु और कलशिया के संबंध का परिपूर्ण चित्र दूल्हा और दुल्हन के रूप में यहाँ दर्शाया गया है किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया अर्थात वो व्यक्ति कलश्य का अदृश्य कलश्य का सभासद बन जाता है उसका मसीह के साथ अपने आप मंगनी हो जाती है यह मसीह के लिए दुल्हन बन जाती है अगर कोई व्यक्ति अपने पापों को मानकर उसका अंगीकार करता है और उस पापों को छोड़ देता है और निश्चय करता है कि मैं आज से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा आज से मैं मेरे जीवन को यीशु मसीह को देता हूँ मेरा समर्पण करता हूँ उसी दिन से वो वो कलशिया का एक सबासद बन बन जाता है और उस कलीसिया का सबासद यानी कि वो परमेश्वर की दुल्हन का एक भाग बन जाता है उसकी यीशु के साथ में मंगनी हो जाती है इसका मतलब क्या है वो म, जो जिसके साथ में उसकी मंगनी हुई वो आने वाले दिनों के अंदर वो जो यीशु मसीह की दुल्हन होने वाली है, उसके साथ में वो वो विश्वास योग्य बने रहे इस बात का प्रतीक बन जाता है और ये जो उसके दुल्हन में वो प्रवेश कर लेता है और मेमने के विवाह के समय ये मंगनी जो है प्रत्येक से सच में हो जाएगी अभी आपकी और मेरी मंगनी हो गई प्रवेश के साथ में क्या कैसे मंगनी हो गई है

विवाह का जो आयोजन है ना वो आयोजन है और वो विवाह का जो भोज है ये सभी बातें जो स्वर्ग में होगी पृथ्वी पर नहीं होने वाली है वो स्वर्ग में होगी ये घटना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वें अध्याय में लिखी गई है इसलिए ये घटना महाक्लेश के अंतिम समय में पृथ्वी पर मसीह का एक हजार वर्ष के राज्य के शुरू होने से पहले होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है और दुल्हन जो है वो मसीह को किस प्रकार सादर करेगी ये भी जानना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है अब स्वर्ग में शादी नहीं होगी ध्यान में रखना स्वर्ग में शादी नहीं होगी स्वर्ग में विवाह नहीं होगा लुक इसका आदमियों की बात कर रहा हूं मैं जो मनुष्य मरता है जो मनुष्य मरने के बाद में जब स्वर्ग चला जाता है स्वर्ग के अंदर किसी भी मनुष्य की शादी नहीं होने वाली है कोई भी कोई भी वहां पर वहां पर विवाह का आयोजन नहीं होने वाला है सिर्फ एक ही का विवाह होगा यीशु मसीह और कलशिया का विवाह वहां पर होने वाला है इसलिए लुक इसका बीस अध्याय चौतीस से छत्तीस वचन में अगर हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार है येसु ने उनसे कहा इस युग की संतानों में तो विवाह होता है मतलब पृथ्वी के लोगों में तो विवाह होता है पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग उस पुत्र को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे इस स्वर्ग की बात कर रहा है यहां पर और फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से वे परमेश्वर की संतान हो जाएंगे तो विवाह का अर्थ क्यों लिया गया है यहां पर विवाह को क्यों कहा गया है इस बाइबल के अंदर तो मसीह की देह और मसीह की दुल्हन क्या है ना इस बात को हमको समझना है हवा परमेश्वर की योजना में कलशिया का प्रतिरूप है अब हम देखेंगे कलशिया क्या है उसकी दुल्हन कौन है इस बात को आप और मैं समझ लेते हैं अभी परमेश्वर की जो कलशिया इस बात को आपको मुझे समझना है और प्रभु का धन्यवाद हो कि इसको हम जब देखते हैं कलसिया की जो कलशिया जो है मसीह की दुल्हन क्या है ना इस बात को हम समझने से पहले अपने आप को तैयार कर लें अगले वाले भाग में हम उसको देखेंगे कि मसीह की देह और मसीह की दुल्हन क्या है तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि मसीह की दह और मसीह की दुल्हन क्या है तो आइए समय प्रार्थना करें प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आ, का प्रभु आ, जो है वो एक दिन आ, उसकी दुल्हन को लेके जाने वाला है और वो जल्दी इस घटना को घटित करेगा प्रभु हम तेरी दुल्हन में शामिल हो जाएं और ये दुल्हन दूसरी तीसरी कोई नहीं है प्रभु जी तेरी दुल्हन तेरी कलसिया है और कलशिया को तो तैयार कर रहा है इस कलसिया में हमें भाग बनने के लिए हमें सहायता करना खुदा बाप हम तो से चाहते हैं प्रभु हम अपने पापों का अंगीकार करके और उसको मानकर छोड़कर तेरे पीछे चलें और और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आ, द, हम दुल्हन बने प्रभु जी और दुल्हन जिस प्रकार खुद को तैयार करती है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम खुद को तैयार करें और जब तू तो हमें लेने आएगा प्रभु जी तब हम खुद हम हम, हम खुद को तैयार करके हम सुसज्ज हो जाएँ हमारे दूल्हे के दूल्हे के साथ में जाने के लिए इसलिए हमें अनुग्रह दे पिता सब महिमा देते हुए ये के नाम से मांगते हैं आमीन गॉड गॉड ब्लेस यू ग्रोह का आशीष करें